अश्विन शुक्ल पूर्णिमा शनिवार दिनांक 28 और 29 अक्टूबर की रात खंड ग्रास चंद ग्रहण लगेगा, जो पूरे भारत में दिखाई देने वाला है। भारत के अलावा बहुत से अन्य देश भी ऐसे हैं जहां पर यह ग्रहण लगेगा और वहां पर भी दिखाई देगा। भारतीय मानक समय के अनुसार इस खंड ग्रास चंद ग्रहण का स्पर्श प्रचलित घड़ी के अनुसार रात 1:05 से यह ग्रहण प्रारंभ तथा इसका मध्य समय रात 1:44 पर होगा। रात्रि 2:23 पर इस खंड ग्रास चंद ग्रहण का मोक्ष अथवा समाप्ति हो जाएगी। यह चंद ग्रहण का समय पूरे भारत में एक ही समान ही होता है। यह चंद ग्रहण अश्विन नक्षत्र और मेष राशि पर लगेगा, अर्थात अश्विन नक्षत्र और मेष राशि वालों को यह ग्रहण नहीं देखना चाहिए तथा शांति का उपाय करना चाहिए। इस दौरान कौन से काम नहीं करने चाहिए, इसके अलावा इन ग्रहण का किन किन राशियों पर सकारात्मक असर पड़ेगा, आइए वो जान लेते हैं। मेष राशि वालों के लिए थोड़ा एक घात होता हुआ दिख सकता है, वृष राशि वालों के लिए थोड़ी हानि, मिथुन राशि के लिए थोड़ा लाभ आता हुआ दिख सकता है, कर्क राशि के लिए सुख, सिंह के लिए मान हानि, कन्या के लिए थोड़ा कष्ट ज्यादा, तुला के लिए स्त्री पीड़ा, वृश्चिक राशि के लिए सुख, धनु राशि के लिए चिंता, मकर राशि के लिए व्यथा, कुंभ राशि के लिए श्री, मीन राशि के लिए क्षति। चंद्र ग्रहण में ग्रहण से पूर्व 9 घंटे पहले ग्रहण का सूतक होता है। इसमें बालक वृद्धि और रोगी को छोड़कर अन्य लोगों के लिए भोजन करना बिल्कुल मनाही है और नहीं करना चाहिए। सूतक लग जाने पर मंदिर में प्रवेश करना, मूर्ति को स्पर्श करना, भोजन करना, मैथुन क्रिया, यात्रा इत्यादि नहीं किया जाता, यह सभी वर्जित हैं। भोजन सामग्री जैसे दूध, दही, घी इत्यादि में कुछ रख देना चाहिए। ग्रहण मोक्ष के बाद पीने का पानी ताजा लेना चाहिए। ग्रहण जहां से दिखाई देता है सूतक भी वहीं लगता है एवं धर्मशास्त्रीय मान्यताएं भी वहीं लागू होती हैं तथा उसका फलाफल भी वहीं लागू होगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों में ताकि उनको भी थोड़ा इसके बारे में पता लग पाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।